एवरीवन, वेलकम बैक टू एनिमेश ऑन ट्रेल। पिछले दो वीडियोस में मैंने आपको शिलोंग का वन डे टूर कराया। आउट ऑफ शिलोंग जो टूरिस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशंस है शिलोंग के आसपास, वो भी जगह दिखाया। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर भी दिखाया दाउकी रिवर में, विच इज़ ऑल्सो सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट रिवर्स। आज हम जा रहे हैं इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज जो शिलोंग से 130 किलोमीटर दूरी पर है, और उसी रास्ते में अभी मैं जहां पर हूं, यह है बोपखिल वाटरफॉल। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गो। आगे बढ़ रहे हैं, ये ब्रिज है और इस तरफ है बोपखिल वाटरफॉल। ये सिर्फ एक दिन के बारिश में इतना पानी जमा हो गया है। लुक एट द फ्लो ऑफ द रिवर, अमेजिंग। ये क्लीनेस्ट सिटी, ये सॉरी विलेज में हम जा रहे हैं, और रास्ते में ही ये जो फेंस आप आयरन फेंस देख रहे हो, ये एक्चुअली बॉर्डर एरिया है। इस बॉर्डर, ये आर्मी का बॉर्डर है, और इसके दूसरी तरफ जो आप जगह देख रहे हो, ये पूरा बांग्लादेश का एरिया है। सो शिलोंग और बांग्लादेश इज नॉट वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। पिछले वीडियो में मैंने जैसे दिखाया था दौकी रिवर के उस तरफ बांग्लादेश, इस तरफ इंडिया, जो क्लीनेस्ट विलेज जो हम जा रहे हैं, यहाँ पर भी बांग्लादेश का बॉर्डर टच होता है। यहाँ पर हम क्रॉस नहीं कर सकते, वो नो फेंसिंग वाला बॉर्डर था, यहाँ पे फेंस वाला बॉर्डर है। सो ये एक दूसरा मौका है जहाँ पर मैं खुद बॉर्डर देख रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। दिस इज द बॉर्डर, दिस इज द नो मैन जोन, और उसकी तरफ बांग्लादेश है। लेट्स गो टू द क्लीनेस्ट विलेज। अभी हम जो सबसे क्लीनेस्ट विलेज है वहाँ नहीं पहुँचे हैं, अब कंफ्यूज मत होना। अभी हम बीच में ही उतर गए, एक और विलेज मिल गया। इस विलेज का नाम है रिवाई विलेज, और यहाँ पर से जो मैं ये स्लोप दिख रहा है, ये स्लोप से थोड़ा सा नीचे जाके सिंगल डेकर रूट ब्रिज हमें देखने को मिलेगा। वो है क्या, दो बड़े बड़े विशालकाय वृक्ष, उनकी जड़ें एकदम पुरानी, मतलब वृक्ष है, उनकी जड़ें आपस में मिलके एक प्रॉपर एक ब्रिज बन चुकी है। उस ब्रिज के ऊपर से प्रॉपर पूरा इंसान पार हो जाता है, इतनी मोटी और मजबूत जड़ें हैं। तो सिंगल डेकर ब्रिज इसको बोलते हैं, क्योंकि वो मतलब ब्रिज जो है वो एक जैसे डबल डेकर बस होता है, वैसे वो सिंगल डेकर की तरह एक प्रॉपर ब्रिज बनाता है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते ही ये सीढ़ियाँ आ गई है, रिवाई विलेज की सीढ़ियाँ जो नीचे जा रही है सिंगल डेकर ब्रिज की तरफ। और पूरा नेचुरल एनवायरनमेंट है, चारों तरफ पूरा जंगल है, बिल्कुल जंगल। यहाँ तक कि जो रास्ता भी था वो पूरा जंगलों के बीच से होके आ रहा है। ये जो प्रोविंस है ये खासी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मेघालय के, और हम जैसे सभी ने पढ़ा ही होगा खासी हिल्स, जानतारो हिल्स और एक गारो हिल्स, ये तीन डिस्ट्रिक्ट हैं मेघालय में, तो ये खासी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। लेट्स गो अहेड। अब हम नीचे जा रहे हैं सिंगल डेकर ब्रिज की तरफ, सामने सुंदर सी नदी और वाटरफॉल, और ये सिंगल डेकर ब्रिज के ऊपर से हम पार होने वाले हैं। अब बीच में जो वो पेड़ देख रहे हो आप, बड़ा सा, यही वो पेड़ है जिसकी जड़ें आपस में मिल करके उसने ये ब्रिज बना लिया है। सो हियर एग्जैक्टली वी स्टार्ट क्लाइंबिंग ऑन द ब्रिज। यहाँ तक थोड़े से पत्थर वत्थर से किसी तरह टिकाया हुआ है, और यहाँ पर ये पेड़ देखो, ये पूरा पेड़ है, अब तो ये बिल्कुल बूढ़ा हो चुका है। और ये ब्रिज यहाँ पे आ गए, ये सारी जड़ें हैं इस पेड़ की, और ये ब्रिज बना रही है। और ऐसा किसी को अगर लगता हो कि ये एक्चुअली इसमें तो मिट्टी डाला हुआ, पत्थर डाला हुआ, इसके नीचे सिर्फ जड़ें हैं, जड़ों के ऊपर ताकि हम चल सकें, इसलिए मिट्टी और पेड़ ये पत्थर डाले गए हैं। अदरवाइज़ ये पहले पूरा सिंगल फॉर्म में ब्रिज हुआ करता था। इस तरफ अगर हम आगे बढ़ें, ये छोटा सा एक वाटरफॉल, वहाँ पे कुछ बच्चे फ़ोटो खिंचा रहे हैं, हम भी चलते हैं वहीं पर। बहुत ही सुंदर जगह। रूट ब्रिज काफ़ी पीछे छूट गया, हम उससे भी काफ़ी आगे चलते चलते आ गए हैं, कुछ बच्चे भी यहाँ पर आ गए हैं,
यहाँ पे लगातार सीरीज में बहुत सारे वाटरफॉल्स, छोटे छोटे वाटरफॉल्स हैं, आगे जाके वहाँ भी एक वाटरफॉल हमें देखने को मिलता है। हम ऐसे स्पॉट में आ गए जहाँ पे ये एक छोटा सा वाटरफॉल साइड से इस सेकेंड लार्जेस्ट वाटरफॉल में मिल रहा है, और जो सबसे बड़ा वाटरफॉल जहाँ पे रूट ब्रिज है वो उस तरफ है जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हमारा पीछा करते करते आ गए। ये जो नदी दिख रही है उसके पीछे सबसे बड़ा वाला वाटरफॉल है, और उन पेड़ों के पीछे वहाँ पर रूट ब्रिज है। तो हम चलते चलते काफ़ी आगे तक आ गए, और चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है इट्स सीरीन एंड सो प्योर एंड सो ब्यूटिफुल। अब हम आ चुके हैं एशिया के सबसे क्लीनेस्ट विलेज माउलिनडोंग में, और ये एंट्री गेट पे 100 रुपये का टिकट है। आप थोड़ा सा अभी हम लोग लंच के लिए रुके हैं, वहाँ पे पीछे में बहुत सारे ढाबे हैं, यहाँ पर भी एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पर हम थोड़ा सा पहले खा लें। अब वो जो पीछे जो वहाँ पे ढाबे हैं उनके पीछे से वो रास्ता जाता है पूरा आगे विलेज का रास्ता माउलिनडोंग, जो कि सबसे क्लीनेस्ट है। प्लास्टिक वगैरह कुछ भी आप ले नहीं जा सकते, क्योंकि इसी वजह से ये बिल्कुल प्लास्टिक फ्री विलेज है, और यहाँ का AQI लेवल कहते हैं कि इट्स ज़ीरो कार्बन एरिया, यहाँ पे कोई भी कार्बन एमिशंस नहीं होते। तो पहले लंच कर लेते हैं फिर चलते हैं अंदर। मेरा आज का लंच प्योर वेजिटेरियन, सबसे सिंपल खाना और बहुत ही टेस्टी है। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा क्लीनेस्ट विलेज माउलिनडोंग माउलिनडोंग का सफ़र। यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं उसमें से कुछ चीज़ें हमने देख ली है, रूट ब्रिज हमने ये देख लिया है, और बैलेंसिंग रॉक देखना है, और विलेज तो हम अभी जा रहे हैं। तो सफ़र यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्लीनेस्ट विलेज यहाँ से स्टार्ट होता है, बल्कि एंट्री पॉइंट ये है, ये रहा एंट्री पॉइंट, यहाँ से अंदर जाते हैं। यहाँ पे जगह जगह आपको डस्टबिन मिलेंगे, छोटे छोटे बच्चे देखो ये खुद यहाँ पे क्लीनिंग के टास्क में लगे हुए हैं, पूरा बैम्बू का बना हुआ एक छोटा सा, ये भी एक तरह का रूट ब्रिज है। देखो कितना सुंदर, एक झरना है, एक पानी का रिजर्वायर है, उसके ऊपर ये बैम्बू का, ये भी एक रूट ब्रिज है, ब्यूटीफुली क्राफ्टेड रूट ब्रिज। और इस तरफ है राइट साइड में माउलिनडोंग, इस तरफ शिलोंग। यहाँ से हम चलते हैं। वीडियो अगर थोड़ा सा लंबा भी हो जाए स्टे ट्यून्ड, क्योंकि एक प्राइड की बात है, पूरे एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज हमारे देश में शिलोंग में, पूरा का पूरा विलेज एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टू स्काई व्यू पॉइंट, वहाँ पे स्काई व्यू पॉइंट भी है, और इतना सुंदर इसको सजाया गया। मैं उधर से जा रहा था तभी मुझे ये दिखा, प्राइवेट प्रॉपर्टी, एंट्री फी 20 पर हेड। अभी किस चीज़ का एंट्री फी है ये देखो, ये बैम्बू का पूरा एक छत्ता बनाया गया बैम्बू से, और ऊपर जाके आपको स्काई व्यू पॉइंट देखने को मिलता है। सो सेम उसी तरह का लकड़ी का ब्रिज बना हुआ है, हम ऊपर वहाँ पे ट्री हाउस में जा रहे हैं, और वहाँ पे हम जाएंगे स्काई व्यू पॉइंट में। दिस इज वन सच अमेजिंग प्लेस। और हम पहुँचने ही वाले हैं ट्री हाउस तक। नीचे अगर देखो ये नीचे रास्ता जा रहा है, और सिर्फ बैम्बू पे ये टिका हुआ है पूरा का पूरा ब्रिज, और ऊपर इसके ऊपर भी स्काई व्यू पॉइंट। चढ़ने में थोड़ा सा डर तो लग ही रहा है, बट स्टिल इट्स वर्थ इट ट्राई। जब इतना दूर आ गए इसको क्यों मिस करें। हम पहुंच गए हैं ये ट्री हाउस में, और ये पूरा स्काई व्यू पॉइंट ये ट्री हाउस के अंदर।
दिस इज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। इस विलेज के ये छोटे छोटे सुंदर सुंदर घर, यहाँ पे एक छोटा सा शैक बनाया गया है लकड़ी का, ऊपर में घास फूस से इसका रूफ बनाया गया है। इस तरफ भी अगर हम देखें बहुत सारे घर हैं। ये पूरा सही में इतना क्लीन एरिया है, यहाँ की हवा में वो प्योरिटी महसूस की जा सकती है। अमेजिंग। विलेज के एकदम एंड पॉइंट तक आ गए हैं। ये है पार्क एरिया छोटे बच्चों का, पीछे दो स्लाइड्स हैं, इस तरफ पूरा प्ले एरिया है। और एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे बहुत सारे घर ऐसे भी मिल जाएंगे जो लकड़ी से बने हुए हैं। अगर मैं इधर घुमा के दिखाऊँ, ये घर देखो, ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है लाइन से। ये घर पीछे, ये भी लकड़ी का, ऊपर एक टिन का या ये छत दिया हुआ है। ये घर पूरा टिन का ही बना हुआ है, पर आगे भी लाइन से अगर मैं दिखाऊं बहुत सारे ऐसे घर मिलेंगे लाइन बाय लाइन। ये घर पूरा सफ़ेद पेंट किया हुआ है, नीचे टिन का है ऊपर लकड़ी का। ये घर भी पूरा लकड़ी का बना हुआ है। यहाँ पर लाइन से बहुत सारे एकदम इको फ्रेंडली घर भी आपको मिल जाएंगे। इस तरफ अगर मैं घुमा के दिखाऊं, ये सारे घर जो लाइन से दिख रहे हैं सारे लकड़ी के बने हुए हैं। अब जो सबसे क्लीनेस्ट विलेज है माउलिन नोंग, उसके जस्ट सामने एक और बहुत ही सुंदर अट्रैक्शन है, वो है बैलेंसिंग रॉक। जो भी यहाँ पर आता है माउलिन नोंग वो ये ज़रूर देखते हैं, दिस इज़ द बैलेंसिंग रॉक। नीचे में छोटा सा, अगर मैं दिखाऊँ, छोटा सा पत्थर है और उसके ऊपर पूरा इतना बड़ा जाइंट पत्थर, ये अपने आप को पूरा बैलेंस किया हुआ है। सो वैसे शाम हो चुकी है, 3 बज चुके हैं, आज पूरा दिन हम लोग घूमते रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं शिलोंग में, इसके आगे चेरापूंजी है मेघालय में जहां आप जा सकते हो। एक फीफी फॉल्स है, वो भी दूसरे साइड में पड़ता है 80 किलोमीटर और ऑफ बीट वो पड़ता है। एक करुंगसुरी फॉल्स है, तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं। जितना हो सका आज के दिन मैं सारा मेरे टैक्सी वाले भैया थे उन्होंने दिखा दिया। एक दिन का ट्रिप जनरली जो कॉस्ट करता है वो एक कार में 4,000 to 5,000 रुपीज़ करता है पर डे। आप टैक्सी बुक करो, आप जो जो चीज़ें बताओगे लिस्ट में, मतलब 100 या 200 किलोमीटर्स या 300 किलोमीटर्स के अंदर जितनी भी फॉल्स वगैरह या टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो सारे वो दिखा देते हैं। सो ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस मैं लाता रहूँगा। वीडियोस अगर पसंद है डेफिनेटली कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। टिल नेक्स्ट वीडियो यही कहूँगा, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग। चीयर्स।